हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और नए साल का ये पहला व्लॉग है मेरा, एंड ये थोड़ा अलग व्लॉग होने वाला है। एक्चुअली दिस वीकेंड मैं किसी राइड पे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक अपॉइंटमेंट बुक कर दिया था और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो जैसा कि सेम ये वाला रोड है, बेलंदूर मेन गेट रोड होते हुए मैं निकल रहा हूँ बेलंदूर और माराथल्ली वाले रोड पे, वो ब्रिज के नीचे सर्विस लेन पकड़ के जाना होता है। तो पहले तो पहुँचूँगा मैं माराथल्ली, फिर माराथल्ली से HAL रोड होते हुए अपने को सीधे निकलना है MG रोड की तरफ। भाई माराथल्ली ब्रिज पे भयंकर भीड़ हो गई, देखो इधर उधर से सबने घुसा रखा है गाड़ी। मैं पहले, हम फर्स्ट। बस यहीं थोड़े दूर आगे पे अपना लेफ़्ट टर्न है, फिर हम HAL रोड पे आ जाएंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट आर राइड। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माराथल्ली से HAL रोड पे। HAL मींस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस रोड का नाम ही रख दिया गया HAL क्योंकि इसी रोड पे HAL इसरो और पूरे एयरस्पेस के जितने भी हेडक्वार्टर एंड म्यूज़ियम बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सब इसी रोड पे हैं। ये रोड यार थोड़े दूर तक बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये माराथल्ली ब्रिज से लेके आगे तक सीनिक रोड ऑफ बेंगलोर बोलते हैं ना, यही आगे आता है। अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा, उसमें मस्त पेड़ है भाई दोनों तरफ से, बीच से गाड़ियाँ आती हैं ना, हाँ हाँ क्या माहौल बनता है। और जब बारिश होती है ना तो मज़ा ही आ जाता है। ओके, तो लेट मी टेल यू कि बहुत दिनों से मैं एक और टैटू करवाने की सोच रहा था, इस महीने जाके मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ है क्योंकि इंस्टाग्राम पे यार इतने पोस्ट आ रहे थे ना मेरे पास कि ये टैटू वो टैटू, बहुत सारे नए नए टैटू के सेंटर खुल रहे हैं और बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे। तो एक जगह मेरी निगाहें रुक गई और मैंने उनको पिंग किया और पूछा कि इज़ दिस ऑफर स्टिल गोइंग ऑन, तो दे रिप्लाइड येस एंड उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन चीज़ें भेजी। अच्छा लगा मुझे, और फिर मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया तुरंत। 1 बजे का अपॉइंटमेंट है और 1:20 पहुँचने का टाइम दिखा रहा है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो इसीलिए आज जा रहा हूँ, सोचा मैंने यार इसका भी ब्लॉग बना लिया जाए। तो भाई ये तो है HAL रोड, बहुत ज़्यादा भीड़ वाला रोड है, चलते रहते हैं। वो सीनिक रोड आता है ना, फिर दिखाता हूँ और फिर उसके बाद का आगे का अपडेट देता हूँ। लो भैया आ गए हम उस रोड पे, यार देखो व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू यार, इतना मज़ा आता है ना इस रोड पे आके, वाओ। इस वाले पे भी और उस वाले पे भी दोनों तरफ से मतलब पेड़ ऐसे ऐसे लगे हुए हैं ना, मज़ा आ जाता है यार देखने में। और ये नारियल पानी भाई, यहाँ पे इस रोड पे काफ़ी लंबी दूरी तक ना भाई नारियल पानी खूब बिकता है, खूब सारा। रोड बहुत सीनिक है बट आज भयंकर भीड़ है ना, तो उतना मज़ा नहीं आ रहा है देखने में। तो मैं बता दूँ भाई कि कॉलेज टाइम के टाइम पे मेरा जिम करने का बहुत शौक हुआ करता था, तो मैं जिम करता था, मैं बिल्कुल पतला सुखड़ा सा था तब टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं दबा के जिम करता था भाई। भाई स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी थी अपनी, ये मानना पड़ेगा, खूब दबा के जिम करता था। फिर मुझे ना टैटू करवाने का शौक आया, तो फिर मतलब ऐसा लगता था कि यार पतला सुखड़ा सा आदमी उस पर टैटू कैसा लगेगा। फिर मैं इंतज़ार करता रहा अपने कॉलेज से लेके 3rd ईयर तक कि मतलब कुछ जीवन में परिवर्तन आएगा और हम टैटू करवाएंगे। नहीं आया भाई, नहीं आया, कुछ भी किया मैंने, कितना भी मेहनत किया तो नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैंने एक टैटू करवाया अपने नेक पे, ड्रैगन टैटू, और वो भी करवाया मैंने माउंट आबू में, राजस्थान की ट्रिप पे थे हम लोग, ने एक रोड साइड से करवा लिया था भाई, इतना मतलब एक्साइटमेंट था करवाने का, तो रोड साइड से टैटू करवा लिया था, तो काफ़ी अच्छा किया था उसने। उसके बाद से फिर दूसरा टैटू करवाया मैंने जयपुर में, और मतलब राइट हैंड पे यहाँ पे मैंने लिखवाया बिलीव इन योरसेल्फ, छोटा सा बहुत महंगा टैटू था वो। उसके बाद फिर मैं जब बेंगलोर आया वापस, तो मैंने इसको कुछ मॉडिफाई करवाना चाहा, या राइट हैंड टैटू को मॉडिफाई करवाना चाहा, और फिर मुझे बैंड बनवाने का बहुत शौक चढ़ा था, वो हैंड बैंड टैटू का, टैटू वाला। तो फिर मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा और कुछ टैटू सेंटर वेंटर का नाम पता लगाया, और प्राइस ठीक लग रहा था भाई, जयपुर से बहुत ज़्यादा ठीक था। फिर वहाँ गए, डिस्कस किए कि ऐसे ऐसे करवाना है, तो उसने मेरे इस टैटू को मॉडिफाई किया,
बिलीव इन योर सेल्फ को रहने दिया और बाकी बैंड बनाया चारों तरफ से, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद से कुछ साल आई थिंक साल रुकने के बाद फिर से मैंने एक बार फिर मेरे मूड में आया टैटू बनवाना है, तो फिर मैं उसी टैटू सेंटर पे गया और मेरे नेक पे जो ड्रैगन है उसको मॉडिफाई करवाने का सोचा। तो उन्होंने आइडिया बताया, ये सब चीज़ें मैंने की, तो कुल मिला के 4 बार टैटू करवाया है मैंने, लेकिन टैटू मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, एक हाथ पे और एक नेक पे, क्योंकि दोनों टैटू को मैंने 2 बार वापस मॉडिफाई करवाया था, तो 4 बार करवाया है बट 2 ही टैटू विजिबल होते हैं। और इस बार मैं एक नया टैटू करवाने जा रहा हूँ और नई जगह पे, तो ये रहेगा मेरा 5वां टैटू। तो यही है, टैटू करवाने का शौक है अपना तो वो करवाते रहते हैं। और फिर बेंगलोर में आए, मैंने बताया ही है अपने ब्लॉग में कि कहाँ से मुझे ये बाइक राइडिंग का शौक चढ़ा, फिर ये बाइक राइडिंग भी करने लगे। तो अभी अपने बाइक राइडिंग के शौक को ज़िंदा रखना है और अपने टैटू करवाने के शौक को ज़िंदा रखना है, बाकी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज़ें करनी होती हैं वो तो करते रहना है भाई, वो तो हमारे कर्म का एक हिस्सा है। कर्म करते रहेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, यही अपने भगवान कृष्ण कहते हैं और हम उनकी बातों को भाई मानते हैं जोरों शोरों से। अरे भैया बहुत ज़्यादा लेट हो गया भाई, 1:16 ऑलरेडी हो गया और 8 मिनट बता रहा है अभी पहुंचने में लगेगा 1:24 पे। ये रहा ट्रिनिटी मेट्रो स्टेशन और थोड़ी दूर पे 1.1 किलोमीटर्स पे हमारा वो शॉप आने वाला है। ओके आई थिंक यहीं पे कहीं पे है, तो भाई ये है महात्मा गांधी रोड और यहीं पे कहीं 400-500 मीटर पे हमें वो शॉप का लोकेशन शो कर रहा है। एंड भाई यहीं पे कहीं पे रुकना पड़ेगा अपने को। ब्रेक कहाँ ले सकते हैं भाई? भाई ये रहा रोड, यहाँ से लेंगे हम राइट और काफ़ी आगे तक मुझे जाना पड़ा यार पार्किंग सर्च करने के लिए। और ये कोने में ही है, ये नाइकी की बिल्डिंग है, नाइकी की बिल्डिंग के अंदर जस्ट यहाँ सीढ़ियों से जाएंगे। और ये शॉप रही साला, इसको ढूंढने में बहुत दिक्कत हुआ। ये रहा भैया अपना शॉप, लेट्स गो। भैया तैयारी हो गई, एक बार प्रॉपर क्लीन करके और फिर वो चेक हो जाएगा ना कहीं छूटा वगैरह नहीं है। पेन है ठीक ठाक है, पेन से ज्यादा तो ये वार्म अप लगाते हैं। हाँ वो उसके टाइम पे हुआ, जलन हुआ था। पेन तो भाई यहाँ होता है, ये बोन साइड पे
भयंकर होता है। फाइनली 2 घंटे के बाद